अस्सलाम वालेकुम। आजकल पेशेंट्स हमसे एक और क्वेश्चन करते हैं रिलेटेड टू द इंजेक्शन थेरेपी इन ऑस्टियोआर्थराइटिस मैनेजमेंट। इसमें ओजोन के इंजेक्शंस की लोग बात करते हैं। ओजोन हमारे पास एक रिच ऑक्सीजन कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शन को जो है बॉडी में तेज़ करता है, और इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है जो बढ़ जाती है जॉइंट के अंदर, और वहाँ पर आपके पास इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। लेकिन अगेन जो ओजोन लेयर है ये लेस एविडेंस बेस है, यानी इस पर बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं हुई हुई। और दूसरी बात है कि अगेन ओजोन भी जो है हमारे पास एक टेम्परेली ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो होता है। उसमें पेशेंट अगेन आपको जॉइंट की जो रेंज ऑफ मोशन है या मसल्स की स्ट्रेंथ है या आपके मैकेनिक्स को बेहतर करने के लिए आपको फिजिकल थेरेपी की तरफ रुजू करना पड़ता है। फिर हमारे पास हाइलुरोनिक इंजेक्शन्स हैं। हाइलुरोनिक हमारे पास वो एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्टिलेज की ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जब कार्टिलेज की लेयर मुतासिर होती है तो कार्टिलेज की लेयर को नरिश करने के लिए हम हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगाता है। ये हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगेन हम कहते हैं कि आप इस इंजेक्शन प्रोसीजर के साथ भी आप जो है वो फिजियोथेरेपी ज़रूर कराएं। तीसरा एक प्रोसीजर है जिसको हम PRP कहते हैं। इस PRP प्रोसीजर्स के अंदर हम पेशेंट का अपना ही ब्लड लेके उसमें जो रिच प्लाज्मा प्रोटीन है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो रिच प्लाज्मा है जिसमें आपका जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स है, जॉइंट ग्रोथ हार्मोन्स है, वो हम जॉइंट्स के अंदर लगाते हैं। चूँकि वो पेशेंट का अपना ब्लड होता है, पेशेंट के अपने जो रिच प्लाज्मा होता है, तो वहाँ पर अगेन वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो जॉइंट की हेल्थ को बेनिफिट करता है। ये बात याद रखिएगा, ये जितनी भी मेडिकेशंस हैं, इंजेक्शंस हैं, ये एक तो टेम्परेली होती हैं, दूसरा ये कभी भी कंप्लीट ट्रीटमेंट रेजीम नहीं होती। कंप्लीट ट्रीटमेंट रेजीम के लिए हमें इवन पेशेंट की जो होल बॉडी है उसको भी देखना पड़ता है कि वो नी को कितना इफेक्ट करती है। थैंक यू।